अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुसैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइज ऑन ट्रैवल। आज की वीडियो में आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से लेके आया हूं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से। आज का होटल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फेयर क्या है और कौन सी वेबसाइट पे इसका फेयर जो है वो हमें इकोनॉमिकल मिल रहा है। आज की वेबसाइट जो है वो दो वेबसाइट पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, एक booking.com पे, दूसरा agoda.com पे। हम लोग इसमें जो देखेंगे कि होटल किस कैटेगरी का है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं और इसकी जो बाकी सर्विसेज हैं वो क्या आपको डिमार्क हैं कि नहीं हैं। सो चल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। ये होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पर वाकया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये सिटी के हार्ट ऑफ द सिटी है और ये पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ होटल की वन बाय वन। ये 3 स्टार कैटेगरी का होटल है और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो बड़े अच्छे हैं, 7.3 हैं। अच्छे व्यूज़ हैं इसके, रिव्यूज़ हैं और इसका स्टाफ जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसको उन्होंने 8.5 रेट किया है। फैसिलिटीज़ कुजा ज़ाहरी बात है 3 स्टार होटल है तो इसकी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी लैग करती हैं 4 स्टार से, तो वो 7 के अबाउट रहती हैं, 8 पे नहीं जाती। लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है, 8.6 इसकी जो है वो लोकेशन है। और वाईफाई ये जो प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है और ये होटल की जो है ये आप पिक्चर देख सकते हैं। सो हम लोग इसके जो है वो फेयर की तरफ बढ़ते हैं और इसकी फैसिलिटीज़ देखते हैं। एक तो ये ग्रेट लोकेशन पे है, दूसरा इसका जो है रेलवे जो है वो एक्सेसिबल है। याद रखें, जिस होटल की रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी करीब होगी वो होटल जो है वो अच्छा कंसीडर होगा, क्योंकि वहाँ से आपका ख़र्चा कम होगा, वहाँ पे आपको पैसे कम लगेंगे आपके, क्योंकि एज़ कम्पेयर रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आप प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे चार्ज करेगी। ये IBIS जो है होटल ब्रांड चेन है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी हाइलाइट्स में परफेक्ट फॉर 3 नाइट स्टे है जी। टॉप लोकेशन है, हाईली रेटेड बाय रीसेंट गेस्ट, 8.6 है और कॉन्टिनेंटल बुफे इसमें जो है वो आपको मिल जाता है। प्राइवेट पार्किंग है, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है देन जो है वो प्राइवेट पार्किंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। नॉन स्मोकिंग रूम्स हैं जी, फैमिली रूम्स हैं, 24 आवर इसका फ्रंट डेस्क है, लॉन्ड्री है, लिफ्ट है, टी और कॉफ़ी मेकर इन ऑल रूम्स ये दे रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं। ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहें तो वो आपसे चार्ज करेंगे कुछ पैसे और आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर देंगे। booking.com आपको क्वीन रूम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये क्वीन रूम में आपको एक लार्ज डबल बेड मिलेगा जो कि सिटी व्यू की तरफ होगा और इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो आपको नेसेसरीज हैं एक रूम में रहने के लिए, यानी वॉशरूम होगा अटैच, आपको जो है वो एयर कंडीशन मिलेगा, टीवी स्क्रीन मिलेगी आपको, साउंड प्रूफिंग मिलेगी आपको, वाईफाई मिलेगा आपको, इस तरह करके आपको जो फैसिलिटीज़ नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको ये होटल प्रोवाइड कर रहा है। ये फॉर 2 पर्सन्स है, 2 गेस्ट के लिए ये रूम है फॉर कपल और इसमें जो है वो प्राइस फॉर 3 नाइट्स हैं जी 79,784 रुपीज़, यानी 79,784 रुपये booking.com इंक्लूडिंग ऑल टैक्सीज एंड चार्जेस जो है वो ले रहा है। ब्रेकफास्ट जो है वो 2,179 रुपये में आपको ऑप्शनल पे है कि अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे 2,179 रुपये देन ये आपको ब्रेकफास्ट भी ऑफर करेंगे, ये पर पर्सन है। फ्री कैंसिलेशन बिफोर 9 सितंबर, अगर आप 9 सितंबर से पहले, यानी हमने 11 सितंबर से 14 सितंबर पर 3 नाइट्स देखा है, तो अगर आप 9 सितंबर से पहले पहले इसको कैंसिल कर दें तो आपसे booking.com कोई पैसा नहीं चार्ज करेगी, फ्री कैंसिलेशन आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा कि अगर वो 1 नाइट आपसे चार्ज करना चाहें तो वो कर सकते हैं,
booking.com या आपका कोई भी वेंडर जो है वो अगर एक नाइट चार्ज करना चाहे तो वो एक नाइट चार्ज करके आपके बाकी पैसे आपको वापस लुटाएगा। पे नथिंग अनटिल 6 सितंबर 2024। अब ये देखें, ये पहले नहीं था, मैंने रीड किया। अब अगर आपको वो ना चार्ज करे कुछ भी, तो आपने 6 सितंबर से पहले पहले इसको रिफंड कर लेना है, तो वो कुछ भी आपसे जो है वो नहीं लेगा। अगर आप 9 सितंबर तक जाएंगे तो एक नाइट की वो बुकिंग के चार्जेस आपसे लेगा। इसी तरह ही हम इसको जो है वो रूम को सेलेक्ट करते हैं, आई विल रिजर्व पे क्लिक करें, उससे पहले हम लोग जो है इसका agoda.com पे जाते हैं और फेयर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी मैंने जो है वो 11 सितंबर से 14 सितंबर फॉर टू पर्संस के लिए, टू अडल्ट के लिए इससे प्राइस जो है वो लिए थे। और इसके देखते हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये 7.7 वेरी गुड इसकी रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी 7 की ही उसमें है। लोकेशन इसकी 8.2 है, वो मैंने आपको बताया कि जो लोकेशन है इसकी बड़ी अच्छी जगह पे है, ये रेलवे स्टेशन के भी बिल्कुल करीब है। दूसरा, सर्विस इसकी 7.9 है, अबाउट 8 ही हुई है। वैल्यू फॉर मनी 7.9 है और इसकी सफाई सुथराई भी 7.6 है। क्योंकि 3 स्टार कैटेगरी का होटल है, इस वजह से इसके रिव्यूज जो हैं वो 7 की कैटेगरी में होंगे। ये जी लोकेशन हार्ट ऑफ सिटी, मैंने भी आपको यही बताया था कि इसकी लोकेशन जो है वो हार्ट ऑफ सिडनी है और इसके व्यूज़ जो हैं वो ग्रेट व्यूज़ हैं। उसके बाद एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है, फ्रंट डेस्क 24 आवर्स अवेलेबल है, हाइजीन प्लस है, हाइजीन प्लस है। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं रूम के वो ये हैं कि जी एक्स्ट्रा लो प्राइस जो है नॉन रिफंडेबल में ये प्रोवाइड कर रहा है, फ्री वाईफाई के दे रहा है, ब्रेकफास्ट एट $13, ये ऑप्शनल बेनिफिट है। अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहें तो आप $13 पे करें तो आपको ब्रेकफास्ट जो है वो मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ में, रूम फैसिलिटीज़ में ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक क्वीन बेड प्रोवाइड कर रहा है, बड़ा बेड। रूम साइज़ जो है 151 स्क्वेयर फिट का है। सिटी व्यू प्रोवाइड कर रहा है, नॉन स्मोकिंग है, शॉवर है और शेयर बाथरूम के साथ है ये। और उसके बाद जो है इसमें नॉन रिफंडेबल की तरफ जाएं तो $87 जो है पर नाइट बिफोर टैक्सेस एंड फीसेस है। इसको बुक नाउ करते हैं और देखते हैं कि आफ्टर टैक्सेस क्या हमें बताता है। शेयर टॉयलेट का मतलब होता है कि जी 2-3 कमरे हैं, उनके साथ जो है वो आपको अपना वॉशरूम शेयर करना पड़ता है और ये आउटसाइड होता है, ये कमरे के साथ अटैच नहीं होता। सो वन क्वीन, ये राइट साइड पे फिर से वही सारी जो इसने पहले वो की हुई थी वही सारा कुछ बताता है कि वन क्वीन रूम है। उसके बाद IBIS बजट सिडनी ईस्ट होटल का नाम है जो कि ऑलमोस्ट 3 स्टार है इस पे, और 3 नाइट्स के लिए इसको जो है वो किया गया है और ये नॉन रिफंडेबल प्राइस में है। और इसका जो है वो 286.12 US dollars, नॉट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जस्ट US dollars 286.12। और ये ऑल टैक्सेस इंक्लूड करके इसमें बुकिंग फीस जो है वो 0 है। इसे हम लोग पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कितने का कॉस्ट करता है। 286.12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तानी रुपीस के साथ तो ये 79,541 यानी 79,541 रुपये में कॉस्ट कर रहा है इन केस ऑफ नॉन रिफंडेबल। और ये जो है ये 79,784 में प्रोवाइड कर रहा है विद कैंसलेशन booking.com। सो अगर हम लोग फैसिलिटीज़ में जाएं और रूम एक्सेस में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि booking.com अगर चीपर नहीं है, इक्वलेंट है, तो ये हमें फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और इन्हीं चीज़ों की बदौलत जो है वो आई एम सेटिस्फाइड एंड हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है booking.com पे ही बुकिंग करें इसकी, और पहले दोनों का मुवाजना करें फिर आप किसी एक पे बुक करें। अगर आपको booking.com अच्छा लगे जिस तरह मुझे अच्छा लगा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप booking.com पे रहें। अगर agoda आपको अच्छा फेयर पे प्रोवाइड करता है कैंसलेशन के साथ, देन जो है वो आप agoda पे करें। और
इस पे, क्योंकि हमें आज के दिन में जो फेयर मिला है वो booking.com पे अच्छा मिला है, फैसिलिटीज अच्छी मिली है, देन वी गो विद booking.com। आई विल रिजर्व पे मैं क्लिक करता हूँ और बुकिंग इस पे करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि ये हमने जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है बुकिंग करने पे। लेफ्ट साइड पे जो है वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जिस तरह के अगुडा पे आपने देखा ये राइट साइड पे सारा प्रोवाइड करता है, ये राइट साइड पे सारी प्रोवाइड करता है और ये लेफ्ट साइड पे प्रोवाइड करता है। IBS बजट सिडनी ईस्ट, इसकी लोकेशन जो है 8.6 है, रिव्यूज अच्छे आए हुए हैं और ये सारा कुछ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जो है हाउ मच इट विल कॉस्ट कैंसिल, अगर आप कैंसिल करते हैं 9 सितंबर से पहले पहले, तो ये आपसे 80,000 रुपया चार्ज करेगा, जो ही मैंने आपको पहले बात कही कि ये एक नाइट जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को उसने बताया कि 80,000 रुपया हम जो है वो डिटेक्ट करेंगे और बाकी पैसे हम आपको वापस कर देंगे। अब ये बुकिंग करने से पहले पहले आपको ये सारी बातें सोचना होंगी कि आप बुकिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 439 चार या 4-5 बन रहे हैं। फर्स्ट नेम जो है हसनैन और लास्ट नेम अली, मेरा नाम हसनैन अली है, आई विल गो विद माय नेम, और ये जो है ईमेल एड्रेस, ये जस्ट फॉर बुकिंग पर्पस है, आपने अपना बुकिंग यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस अपना लिखना है जहाँ पे आपको ईमेल मशहूल हो। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे आपने अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट नाम लिखना है, अपना रीजन लिखना है, मेरा रीजन पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मैंने फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जस्ट फॉर बुकिंग, आई एम द मेन गेस्ट, और उसके बाद जो है आर यू ट्रेवलिंग फॉर वर्क, नो आई एम नॉट ट्रेवलिंग फॉर वर्क, आपने अपने हिसाब से जो आप का है वो आपने लिखना है, ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं, देन आपने जो है वो नो को सेलेक्ट करना है जो बाई डिफॉल्ट होगा, और स्टे फ्लेक्सिबल, यू कैन कैंसल फॉर फ्री बिफोर 9 सितंबर, सो लॉक इन दिस ग्रेट प्राइस टूडे, यू आर बुकिंग द लास्ट अवेलेबल क्वीन रूम वी हैव एट IBS बजट सिडनी ईस्ट ऑन अवर साइट, कि इनकी साइट पे इसके बाद अगर आप बुक कर लेते हैं तो कोई नहीं रहेगा। ये ग्रैब करने के लिए होता है, पॉलिसी होती है कि हमने ग्रैब कैसे करना है अपने कस्टमर को, हर दुकानदार यही चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को ग्रैब कर लूँ, तो ये एक करने दुकानदारी करने का असूल है कि उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी कि वो उससे अट्रैक्ट हो और जल्दी से डिसाइड करे और इसको कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले। सो ये रूम्स फिर भी रहते हैं, क्वीन रूम है जी, फ्री कैंसिलेशन बिफोर 9 सितंबर है, 2 adults हैं, क्लीन लाइन 7.5 है, नो स्मोकिंग रूम्स हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं जी अगर आप जो हैं वो रेंट अ कार करना चाह रहे हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, टैक्सी करना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, और स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आपकी है तो आप वो बता दें। इसी तरह रूम अगर आप 2 बजे आपको जो है मिलना है, उससे पहले पहले आप पहुंच रहे हैं तो आप जो हैं वो हमें यहाँ से बता दें। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ कि फाइनल डिटेल की तरफ जाऊँ। फाइनल डिटेल की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं, और अब फाइनल स्टेप के ऊपर वो मेरे क्रेडेंशियल्स मांगेगा। वो कह रहा है जी 79,784 रुपये जो हैं इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस आपको देना पड़ेंगे, और जो है अगर जो है योर पेमेंट डिटेल्स जो हैं वो 0 PKR हैं, 7 सितंबर यू विल पे, 7 सितंबर को आपके सारे पैसे जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो आप प्रोमो कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप होटल नहीं जा पाते देन यू लॉस योर मनी। इसी तरह आप जो है यहाँ पे ऑन 7 सितंबर 2024 या पे नाउ, इन बोथ कंडीशंस आपको पेमेंट करना पड़ेगी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, आपको वो एंटर करना पड़ेंगे, यू हैव टू बी एंटर योर कार्ड्स, अदरवाइज जो है वो ये नहीं आगे जाएगा। सो यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम हसनैन अली वो बुकिंग पे दिया था, एज इट इज़ आ गया, कार्ड नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, एक्सपायरी डेट देंगे, CVC नंबर देंगे, और फिर आप जो है वो कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक कर देंगे। मैंने कार्ड नहीं प्रोवाइड किया, ये आगे नहीं जाएगा फाइनल स्टेप पे, ये जो ही आप देंगे ये क्रेडेंशियल आपके ले लेगा और आपसे
अमाउंट ले लेगा, और उसके बाद जो है ये आपको एक प्रिंटेबल वर्जन प्रोवाइड कर देगा जिससे आप जो है वो प्रिंट ले सकेंगे। आप प्रिंट जो ही उसका लेंगे, प्रिंट लेके अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिफ्ट करें और अपने होटल को एंजॉय करें। इन केस आप जो है booking.com से प्रिंट नहीं ले सके तो आप जो है वो जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है आप उस पे जाएं और अपना जो है वो प्रिंटेबल वर्जन वहाँ से भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।